आप देख रहे हैं मॉर्निंग डिलाइट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आव्या। अच्छा जी, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, बड़ी अच्छी वैसे बात करेंगे, ऑफ कोर्स एज यूजुअल हर रोज की तरह। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, सुबह सुबह उठ के आपको पता है एक बात है, इसको कहते हैं वाटर थेरेपी। अब उस वाटर थेरेपी की एक डिफरेंट रिजीम है हर हर पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लोग इसे अपनी और माइग्रेन जो हेडेक्स होते हैं सुबह सुबह उठ के, इन सब के लिए एक रिजीम होती है कि आपको इस तरह फॉलो करना है ताकि आपकी ये चीज़ अंडर कंट्रोल रहे। तो हम लोग अब वो मैं उस तरह तो खैर नहीं पिला सकती कि सुबह उठते साथ ही आपने 4 ग्लास पिए, फिर 45 मिनट ठहरा और फिर अपने अपने डिजीज़ के अकॉर्डिंग इतने इतने ग्लासेस, उतना कैलकुलेशन तो मैं अभी नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास मल्टीपल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और फिर मैं उनको पानी पिलवाऊंगी। यस, आई नो। अच्छा जी, हमारे पास मौजूद हैं एक्स डीजी नीपा एंड एक और क्वालिफिकेशन है जिसकी मैं हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं जी मीर जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कितने आप हैप्पी गो लकी मुझे लग रहे हैं। रियली वेरी हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन। रियली? यस, दैट्स ट्रू। बट जो काम है आपका वो तो हैप्पी गो लकी नहीं है ऐसे। हाँ, ये तो चले प्रॉब्ली एक्स है इस वजह से यू आर हैप्पी। दैट्स ट्रू। नाउ आई एम रिटायर्ड। नाउ यू आर रिटायर्ड। ऑलराइट। अच्छा जी, इनके साथ मौजूद हैं, उनका ताल्लुक जो है फिश एंड टैक्स से है, ही इज अ जनरल सेक्रेटरी एंड अ प्रो एंगलर। हमारे पास मौजूद है जी मुजम्मिल शम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? समझ मुझे कुछ नहीं आया फिश एंड टैक क्या है, वो मैं आपसे सारी डिटेल अभी पूछूंगी। अच्छा जी, उनके साथ एक और शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक भी फिश एंड टैक से है, वो है जी जॉइंट सेक्रेटरी और एन एंगल एंड वाटर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर। पता मुझे कुछ भी नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। हमारे पास मौजूद है तलाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले तो मुझे ऑफ कोर्स आपको पता है कि नेस्ले का पानी जो है हमारी गेस्ट को पिलाना होता है सर। वैसे आपको पता है सर, आप जिस फील्ड से हैं हमारे पास साफ़ और साफ सुथरा अच्छा नीट एंड क्लीन पानी कम ही होता है, ये आप पियेंगे नहीं आगे ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू। ओके, नहीं नहीं सर, मिलेगा मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, बिकॉज देखें पानी पे हर जानदार का हक है, पानी के बगैर तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल। वी आर बॉर्न विद दिस राइट, बट वो बॉर्न विद दिस राइट को क्लेम कहाँ कहाँ किया जाए ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बाय द वे सर जी, पानी सर। थैंक यू सर। हम लोग जो है एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। लाइट। अच्छा जी, हम मछलियाँ पकड़ने जा रहे थे, फिश टैग के बारे में मालूम कर रहे थे सर। ऐसा लग रहा है कोई फ्रोजन मछली की वो रेंज है। फ्रोजन मछली की नहीं है, पूरी दुनिया ये निकाल के फ्रीज करने वाली है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक्चुअली पूरी दुनिया में एक तो कमर्शियल फिशिंग होती है और एक हॉबी के तौर पर फिशिंग होती है, दैट्स कॉल्ड स्पोर्ट्स फिशिंग। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी से पूछें क्रिकेट कहाँ खेलनी है, तो वो आप बच्चे को बता देंगे भाई ये एकेडमीज हैं, यहाँ चले जाएँ और डिफरेंट गेम्स में बता देंगे। अब आपने एज ए स्पोर्ट्स फिशिंग करनी है तो आप ढूंढने कहाँ जाएँ? तो हमने भी इसी तरह ढूंढ ढाल के, नहीं पता किसी को केंजर? नहीं, स्पोर्ट्स फिशिंग आपने करनी है तो किसको ढूंढने, कौन सिखाएगा आपको? कोई भी नहीं सर, एम ही डाल के बैठ जाए, शाम तक कोई आ गई। तो इस उसके लिए लोगों को सिखाने के लिए हमने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेवलप की है फिश एंड टैग के नाम से, और न्यू एंगलर्स को फिर हम जो है वो ट्रेनिंग देते हैं इसमें। सर मुझे एक बात बताइए, शिकार क्या चीज़ होती है? मछली का शिकार? इंसानों का नहीं, जानवरों का शिकार, लोग शिकार पर जा रहे हैं, वो इट इज़ द सेम थिंग। अगर हम उसको मछली के पॉइंट में ले आए तो फिश एंड टैग हो जाएगा जी, मछली के शिकार पर, राइट? अच्छा, Why do we kill another living creature because of a sport? देखिए ये तो आप रोजमर्रा जो है वो अपनी खाना is different, necessity is different. शौक से स्पोर्ट के लिए किसी भी जानदार को मार देना, लेकिन वो लिमिटेड है ना, जो हम स्पोर्ट्स फिशिंग करते हैं उसमें लिमिटेड है। कमर्शियल फिशिंग में क्या है कि वो ढेरों मछलियाँ कर रहे हैं, हम जाते हैं अर्ली मॉर्निंग शाम में वापस, दो चार आठ दस जो भी पीसेज हमने लैंड किए हैं वो घर ला के खुद भी खाते हैं, जानने वालों में, दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में। यू डोंट वेस्ट, आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग इट।
मतलब इट्स गुड, आपने उसको आप एज अ फूड आपने उसको यूज किया, फाइन ठीक है, वो बहुत अच्छी, दैट इज द वे इट शुड बी. वो खाली मार के वहाँ फेंक देना, वो दैट इज सर, आपने भी देखी होंगी ऐसी चीजें. मैंने लोगों को ये शौक या फिशिंग करते देखा, वो भाई ओहो ये मछली आ गई, ओहो ये तो मैं खाता नहीं हूँ सर, वो बेचारी जान से गई यू नो, और आपने उसको फेंक दिया इंस्टेड कि आप उसको इस्तेमाल कर लेते, खा लेते, तो वो बेचारी की जान भी हलाल होती फिर नो. तो सर ये वाले लोग ऐसी वाली फिशिंग भी करते हैं, आप लोग उनको गाइड करते हैं? लेकिन बिल्कुल गाइड करते हैं. एक्चुअली हमारे यहाँ तो जैसे आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन इतने फॉलो नहीं किए जाते, बाहर फॉलो किए जाते हैं. वहाँ परमिट होता है, एक साइज होता है कि इस साइज की पकड़नी है, और आप इस सीज़न में आप इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा नहीं पकड़ सकते. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो इस किस्म का रूल नहीं है. लेकिन फिर भी जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स फिशिंग के लिए, उसमें मोस्टली वही मछलियाँ लगती हैं जो हम कंज्यूम करते हैं. अच्छा, आप लोग क्या टेक्निक यूज़ करते हैं और आप किन मछलियों को टारगेट कर रहे होते हैं? अच्छा, टेक्निक तो इसमें बहुत सारी हैं. हम लोग मोस्टली जो है वो ट्रॉलिंग की, कास्टिंग की, और एक लोकल डेवलप टेक्निक है जिसको तारू बोलते हैं, वो हम अडॉप्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादातर सुरमई आती है. अच्छा, और दैट इज़ अ वेरी गुड मछली टू ईट. हाँ, सबसे जो है इसका रैंक टेस्ट में सबसे हाई है सुरमई का. घिसर आता है, और इसके अलावा कुंद आता है, सारम फिश आती है. मोस्टली ये मछलियाँ स्पोर्ट्स फिशिंग में. ये किन एरियाज में जाके आप फिशिंग करते हैं? मोस्टली हम लोग जो जाते हैं सुनहरा का नाम शायद आपने सुना हो, या मुबारक विलेज का नाम. आई नो सुनहरी बीच, उधर से या मुबारक विलेज से, इधर से हम बोट में फिर. वो तो बड़े नीच एंड क्लीन, अल्लाह का शुक्र कुछ ही तो बचे हैं हमारे पास नीच एंड क्लीन बीचेस, तो वो उनमें से आते हैं. एक्चुअली हम लोग अक्सर शूट्स वहाँ होते हैं, तो जब शूट के लिए वहाँ जाते हैं तो हम लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये खाने को नहीं फेंकना, ये खाली रैपर्स नहीं फेंकना. हमारे यहाँ लोगों को आदत है सर, चिप्स खाया, कुछ भी खाया, वो बेचारा. हालांकि यू नो वो पानी इतना नीट एंड क्लीन है कि लोग वहाँ पे अभी भी स्नॉकलिंग और इन सब चीज़ों के लिए जा रहे होते हैं. सो इफ समथिंग इज नीट एंड क्लीन, लीव इट नीट एंड क्लीन, यू नो बड़ा मुश्किल काम होता है. अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अब आप सिखाते क्या हैं इसमें, एंड व्हाट इज दैट फिशिंग रॉड जो आपके साथ खड़ी है, और इसमें आप वो शिकार के लिए वो आगे लगाते क्या हैं, अर्थवर्म लगाते हैं, कुछ और लगा, क्या लगाते हैं आप उसमें? देखिए जो बिग गेम फिशिंग है उसमें मोस्टली आर्टिफिशियल बेट यूज होता है. जैसे आप इसमें देखेंगे एक ये आर्टिफिशियल लूअर इसमें लगा हुआ है. अच्छा, मुझे पता है इसमें कैच कैसे होती है, मछली आती कैसे? इसमें जैसे ट्रॉलिंग हम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा लंबा छोड़ देते हैं और कश्ती चलती रहती है ट्रॉलिंग में, और ये जो बेट है आर्टिफिशियल बेट ये ऐसे मूव करता है जैसे कोई जख्मी मछली है, बीमार मछली है, तो आसान शिकार समझ के बड़ी मछली इसको कैच करती है. करप्शन सर, करप्शन. ये देखिए सर, ये भी धोखा है, मछली को धोखा दिया गया. अच्छा, धोखे से आप लोग मछली पकड़ लेते हैं और फिर वो बेचारी जान से जाती है. धोखा, चलो ये वाला धोखा अलाउड है क्योंकि धोखे की वजह से हमें कुछ खाने को मिलता है. आपने बोला जान से जाती है, कोई जान से जाता है तो किसी की जान बनती है फिर. हाँ, हम लोग को कुछ चीजें हलाल है, जिनकी जिनकी हम, जिस तरह मुर्गी है, जिस तरह बकरा है, गाय है, ऊंट है, ये वो चीज़ें जो हमें हलाल हैं, एंड मछली एज वेल बाय द वे. अच्छा, ये सिर्फ मछली के लिए होता है या आप लोग, अच्छा मुझे बताइए कि वो प्रॉन्स और ये सब चीज़ें कैसे कलेक्ट होती हैं? वो तो नेट से होती हैं, जाल से होती हैं, वो स्पोर्ट्स फिशिंग में शामिल नहीं होती, इसमें नहीं आती हैं. अच्छा ठीक है, तो काश मैं इसका लाइव डेमो देख सकती है, कैसे ड्रामा कैसे करती है ये. ड्रामा करती होगी ना. हाँ. ये ड्रामा कैसे करती है? ये बिल्कुल जब पानी में चलती है ना तो ऐसे 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 चलती है, वाइब्रेट करती हुई. इसमें आप सुनेंगी तो इसमें आवाज भी है, रैटल, ये इसके रैटल है जो आवाज भी करता है इसमें. आहा, ओके. तो मछली को पहले तो आवाज दूर से आवाज सुनाई देती है, फिर वो तलाश करती है कि वो चारा किधर है, फिर जब उसको नजर आता है तो उसको. सुनने की कैपेसिटी मुझे, आपको लगता है मछली सुनती है? सुनती है. सुनती है या वाइब्रेशन फील करती है? वाइब्रेशन फील करती है. हाँ, क्योंकि कितनी बार हुआ मुझे लगता है मछली जो है, पता नहीं, आई डोंट नो, मछली डेफ है शायद मछली डेफ है. बिकॉज आपने अपने घर में भी अगर मछलियाँ पाली हुई और शौक हुआ आपको एक्वेरियम का, आप उनके सामने कुछ भी करते रहे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तक यू डोंट टैप ऑन दैट. वो वाइब्रेशन फील करती है, वो टैप से आती हैं. आप उनको ये कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो,
वो अपना स्विम करती रहेंगी लाइक व्हाटएवर यू नो पागल है कोई. अच्छा आप मुझे बताइए कि ये स्पोर्ट सीखना लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये स्पोर्ट सीखने से आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया? देखिए स्पोर्ट्स तो वैसे भी हेल्दी है, हर तरह का हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन हर स्पोर्ट्स की कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं. इसमें मुझे इतना फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं लग रही बिकॉज प्रॉब्ली यू आर सिटिंग. अगर आप वो करें नहीं, इसमें फिजिकल एक्टिविटी है. किस तरह के? क्योंकि आपको एक तो बोर्ड कंटिन्यूस हिल रही है, ये आपकी कंटिन्यूस फिजिकल एक्टिविटी है. अब इसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि हमने अगर चार रॉड्स के साथ चार लूअर्स छोड़े हुए तो पूरा दिन वही लगे रहेंगे. अगर फिश बाइट नहीं कर रही निकालते हैं उसको, चेंज करते हैं और डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं. अगर इस फिश को किसी शार्क ने अपने मुंह में ले लिया और आपने कहा हुई मछली फंस गई, नहीं नहीं और आप उसको लेकर आए ऊपर, 10 सेकंड के बाद ऐसा होता है कि उसका सिर्फ इतना धड़ आ रहा होता है, बाकी शार्क ले जाती है, कोई और मछली ले जाती है. होता है ऐसा और हुआ है. शार्क हमारे पानी में है? जी है, शार्क भी है, व्हेल भी है, सब है. व्हेल की तो टेंशन नहीं है, शार्क है. शार्क भी है. कौन से पानी में शार्क? ये जहाँ स्नॉर्कलिंग करने जाते हैं चरना पे, इसके सराउंडिंग में होती है और हमारे ऑफशोर में भी है शार्क. तो सैंड में शार्क है, दैट इज अ डेंजरस थिंग टू हैव यू नो. जी तो हमें तो स्नॉर्कलिंग के बीच में नहीं पता होगा शार्क आ गई तो क्या करेंगे. नहीं नहीं स्नॉर्कलिंग में तो आपको नीचे नजर आ रहा होता है ना. अरे नहीं नहीं सर, मुंह पर है अगर आपका आप पानी में खड़े हुए हैं अपनी मर्जी से फ्लोट कर रहे हैं, नीचे से आपको आधा शार्क ले गई तो नहीं. लेकिन आप ऐसे थोड़ी जाएंगे क्योंकि आपके साथ लाइफ गार्ड्स होंगे, तो वो भी क्या शार्क, नहीं, वो शार्क उनका एक्सपीरियंस काम आता है ना वहाँ पे. और वो रीजन जो होता है ना जहाँ पे चढ़ना के सराउंडिंग में, वो शार्क के लिए जो है ना सूटेबल नहीं होता, तो शार्क उससे थोड़ा सा दूर रहती है. आप लोग इसके लिए उस रीजन में नहीं, उस रीजन से आगे रहते थोड़ा सा चढ़ना से दूर जाते होंगे तो आप लोगों की सेफ्टी. शार्क तो बहुत क्लेवर होती है सर. हम तो बोट के ऊपर होते हैं और फिर दूसरा ये है कि शार्क अगर हमारी जो इसके ऊपर बाइट करी हुई होती है, जिसने स्ट्राइक करा हुआ होता है फिश पे, वो फिश शार्क जो है ना उस पर स्ट्राइक करती है, उसको खा के जाती है शार्क. बाज दफ़ा ऐसा होता है कि जब इस पर मछली लगी हुई होती है, शार्क को पता होता है नकली है, इसके ऊपर जो मछली लगी हुई होती है वो तो असली है. नहीं जो उसके ट्रैप में आ गई शार्क उसको खा ली है. ये इतना छोटा बेट है ना कि शार्क इसके ऊपर वो करती नहीं है ज़्यादा स्ट्राइक. कभी कोई डेंजरस इंसिडेंट आप लोग के साथ हुआ नहीं जब आप लोग ये करने गए हो? नहीं अब जैसे शार्क तो खा के चली जाती है, अपना काम कर देती है. वेल खाने के लिए बाकी पार्टी खाने के लिए ऊपर आ गई तो नहीं 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 मूवीज ऐसी देखी हुई ना हम लोग को डर ही लगता है. कल परसों भी मैं एक मूवी देख रही थी, वो एक खातून खड़ी हुई थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ पिक्चर खिंचवा रही थी या क्या था, कोई दूर से मूवीज भी बना रहे थे, वो एक बाय द रिवर साइड खड़ी हुई और कुछ बात करी है, एकदम से पीछे से क्रोकोडाइल आया करके उनको लेके चला, मतलब लाइव. इट वाज हॉरिबल. उसके बाद इंसान ऐसी चीज़ों से डर जाता है. हमारे पास इस तरह की ये नहीं मगरमच्छ टाइप चीज़ें नहीं है. नहीं ये हमारे यहाँ जो है ना वैसे तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी नहीं है, लेकिन इधर है हलेजी वगैरह की तरफ है, वहाँ इंसिडेंस कभी कभी होता है. ऑलराइट. अच्छा आप मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के एडवांटेजेस. एडवांटेजेस ये है कि एक तो हेल्दी एक्टिविटी है, सेकेंडली अगर आप देखें व्हाई वुड यू कॉल इट अ हेल्दी एक्टिविटी, क्योंकि एक तो आपका माइंड फ्रेश होता है इससे. सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ जाके मोबाइल नहीं चलता. सेंस ऑफ क्या बात कर दी सर, आई टोटली एग्री विद यू. ठीक है ओके, 10-12 घंटे जो है वो आप रिलैक्स होते हैं पूरे. बेगम का फोन आ रहा हूं सॉरी. सेकेंडली जो है वो आप देखें जो समंदरी मछली है वो वाहिद ऑर्गेनिक फूड है अभी तक जो आपको खालिस मिल रही है. हाँ जो शुक्र है खालिस मिल रही है. आप चिकन ले लें वो आर्टिफिशियली बनाई जा रही है, गाय बकरे सारे आर्टिफिशियली जो है वो पाल के मतलब सबको हार्मोन शार्मोन और ये सब चीज़ें ही लग रही हैं. इवन के वेजिटेबल्स भी आपके जो है ना इसमें आपको नहीं पता कब क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा, क्या क्या लग कर आता है टोटल जो है वो आप अल्लाह तवक्कल पे जा रहे होते हैं. सही बात. आपको नहीं पता कि क्या लगेगा नीचे से कौन सी मछली आएगी. अच्छा कभी तो बड़ा मजे का इंसिडेंट क्या क्या लग कर आया कि वो किसी के जूते लग कर आ गए, कुछ चीज ऐसे लग कर आ गई. नहीं हम लोग इतना डीप में होते हैं कि जूता तो नीचे होता है, हमारा जो फिशिंग इक्विपमेंट है वो लूअर वगैरह ऊपर ही होते हैं.
किस तरह की मछली आप आराम से इससे कैच कर पाते हैं? हमने इससे तकरीबन सारी ही मछलियाँ कैच करी हैं इंशोर स्पीशीज में। कोई पर्टिकुलर साइज? सुरमई ज़्यादातर हम लोग कैच करते हैं। ओके ओके, अब वैसे हमारे पानी में सुरमई भी ज़्यादा है। सुरमई ज़्यादा है। सुरमई ज़्यादा है। अच्छा, तो वो वाली मछली आराम से कैच, अब फिर उस मछली का करते क्या है? खाते हैं या फिर मार्केट में जाके वो सैलड आउटी? देखें, अगर शिकारी फिश बारबेक्यू करते हैं, शिकारी बोर्ड पे ना खाए तो फिर वो शिकारी फायदा ही क्या? शिकारी नहीं है फिर तो। सबसे पहले तो वहाँ लंच जो है वो मछली का ही होता है। अच्छा, ओके, लाइव अपनी अपनी मेहनत का, अपनी इसको कहते हैं अपनी मेहनत का कमा के खाना। और आप यकीन करेंगे वो जो ताज़ा मछली होती है वो 10 मिनट में तैयार होती है खाने के लिए। सर, मुझे इस फिशिंग रॉड के कुछ फीचर्स बताएंगे, व्हाट इज इट, इसमें किस तरह का धागा लगा हुआ है? हलाल होता है, कुछ तो बता दें मुझे उसके बारे में। ये हमारे पास जो है, हाउ मच डस दिस कॉस्ट, ये भी बता दीजिएगा। ये हम जाके क्लिफ्टन पर डाल के बैठ जाए? नहीं, क्लिफ्टन तो नहीं डाल सकते। एवरेज कॉस्ट इसकी 17 to 20,000 होती है। ओके ओके। और इसके अंदर पैन इंटरनेशनल 30 लगी हुई है, ये रील का नाम है, और मिचिल्स की ये रॉड है जो कि ट्रॉलिंग के लिए जो है ना स्पेसिफिक है। और ये लूअर जो है ये हेल्को 7 meters कहलाता है, हेल्को इसका ब्रांड नेम है। और इसकी जो है ना एवरेज डेप्थ 7 meters होती है। और ये नॉर्मली ट्रॉलिंग में यूज़ होती है। इसके अलावा ये वाली रॉड है, ये आपको मुजम्मिल भाई ज़्यादा बेटर बताएंगे। ये पेंट और जिगिंग सीरीज है। अच्छा, इट्स डिफरेंट, इट्स स्लाइटली लॉन्गर, इसमें डिफरेंट और क्या है? इसलिए जिगिंग के लिए यूज होती है जो थोड़ा ज़्यादा गहरा पानी है। जिगिंग? जिगिंग जो है वो डीप वाटर में एक मेथड है, उसमें आप उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं। इसमें ये, इसमें तो अभी लोकली ये कहलाता है स्पून कहलाता है, लोकली इसको पताशा बोलते हैं। अच्छा। और इसमें वर्टिकल जिग यूज करते हैं, 150 feet या उससे गहरा पानी है, उसमें ऐसे मूव करके फिर उसको मछली को अट्रैक्ट करते हैं। इसमें मछली पकड़ी आएगी किससे? कोई टेम्पटेशन नहीं रखी हुई? नहीं, ये जो जितने भी नेचुरल बेट्स हैं ना वो शाइनी होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। अच्छा। छोटी मछलियाँ तो ये खुद इसका कलर जो है ना, इसकी शाइन और इसकी जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उससे अट्रैक्ट। शेप भी थोड़ा थोड़ा आपने वैसा ओवरऑल चले, ठीक है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट्स समथिंग न्यू फॉर मी, आई एम टोटली नॉट इनटू इट, लेकिन समथिंग न्यू, मुझे बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, आप लोगों को भी आ रहा होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी गुफ्तगू जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कोई खास रुझान नहीं है अनलेस आपका प्रोफेशन हो स्पोर्ट्स के लिए ना, ये चीज़ बहुत कम लोग निकलते हैं। मैंने बहुत ही कम लोगों को इस चीज़ के लिए निकलते देखा है, गाइस अमंग दोस्त। मुझे बताइए कि मछलियाँ पकड़ने का बेस्ट सीजन क्या है? हमारे यहाँ वैसे तो पूरा साल ही रहता है, लेकिन जो हम एंगलर जाते हैं वो मिड अगस्त से स्टार्ट करते हैं। मिड अगस्त, जो कि मई जून जुलाई थोड़ा पानी रफ होता है। अच्छा, ओके। समंदर रफ होता है तो नहीं जाते, सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मिड अगस्त से स्टार्ट करते हैं और टिल अप्रैल तक। टिल अप्रैल तक, ओके। मैंने नहीं, एक मिनट, आपने मिड अगस्त से शुरू किया और नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, सो अभी हमारे पास बस नेक्स्ट मंथ तक ही बचा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये एक्टिविटी अगर कोई इंसान सीखना चाहे तो कैसे सीखे, आप लोग उससे कैसे, बिकॉज हर एक चीज़ की ट्रेनिंग होती है। लुक्स ईजी कि आप ब्रॉड डाल के जी बैठ गए, बट इट्स नॉट ईजी, इसके पीछे एक साइंस है। तो वो कैसे आप लोगों से कॉन्टैक्ट करो, कैसे चीज़ लर्न कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट भी है और हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी बना हुआ है, उसको okay. फॉलो कर सकते हैं। ओके और राइट, ठीक है, चले, इंटरेस्टिंग। अगर आप में से किसी को शौक है, देखिए इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी। मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस एक्टिविटी से लिंक रखती है वो रहता है रिलैक्सेशन, जिसकी शायद हमारे करप्शन वाले टाइम में बड़ी ज़रूरत है सर। जब तक वहाँ कोई करप्शन नहीं आती है ये, तब तक उसको इन्जॉय कीजिए। वैसे इसमें मुश्किल है कोई करप्शन आए? सर, लॉबीज भी तो होती हैं इसमें, इस पानी में आप फिशिंग नहीं कर सकते, इस पानी में आप फिशिंग नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग तो क्योंकि इतने दूर तक जाते हैं, जो कमर्शियल कर रहे होते हैं ना, उनको इंडिया होके आ गए? नहीं, जो कमर्शियल फिशरमैन होते हैं वो जाते हैं, क्योंकि उनको तो मछली लानी ही है। सही। अच्छा, मेरे पर टाइम बिल्कुल कम रह गया और बड़ी मुझे मजे की आज एक्टिविटी का पता चला। आई लव टू एटलीस्ट दिन में एक महीने में एक दिन ऐसा कोई जरूर निकाला करें दुनिया से कट के लिए, सुकून से आप कुछ करने जाएं जहां मतलब सुकून से बैठे हों, और आपकी एक एक्टिविटी और सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है इसके साथ, बाय द वे कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्टअप होता है। सर, आप लोग बहुत अल्लाह करे बहुत फ्लरिश करें आगे और बहुत ऐसे करें और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और भी सामने आएँ। सर, गुड लक। थैंक यू। आपको तो मैं गुड लक।
आपका गुड लक मैंने संभाल के रखा हुआ था, गुड लक जो अल्लाह करे आप लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो सफल हो, उसके फल हमारे सामने आए। वो पता नहीं मुझे लगता है ट्रेन के बीच में ना कहीं वो निकलते निकलते जब से आते हैं सड़ जाते हैं सर के आज तक, आप लोग ज़्यादा मसाला लगा देते हैं उनके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके थैंक यू, थैंक यू। आप तीनों के आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर राइट बैक।